आई एम साक्षी, वेलकम टू आवर चैनल जहां हम लाते हैं एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट। दरअसल कुछ महीने पहले ही अजय देवगन ने फिल्म रुद्रा से अपने ओटीटी डेब्यू की अनाउंसमेंट की थी। इस डिजिटल फिल्म में अजय एक इंटेंस पुलिस किरदार में नजर आने वाले हैं। ब्रिटिश सीरीज लूथर की रीमेक पर बनने वाली इस सीरीज की खबर ने फैंस के एक्साइटमेंट को काफी बढ़ा दिया है। तो वहीं इससे जुड़ी लेटेस्ट रिपोर्ट की माने तो इस सीरीज के लिमिटेड एपिसोड का हिस्सा बनने के लिए अजय को 125 करोड़ रुपए की राशि दी जा रही है। इस डील में प्रमोशनल एक्टिविटी, सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर रियलिटी शोज में पब्लिक अपीयरेंस और प्रोमो शूट्स जैसी चीजें शामिल हैं। अक्षय कुमार जैसे स्टार्स के साथ हाईएस्ट पेड ओटीटी स्टार की लिस्ट में शुमार हो जाएंगे। वैसे अगर इस सीरीज के बारे में बात करें तो अजय देवगन पहले ही इंटरव्यू के दौरान बता चुके हैं कि उनकी कोशिश यूनिक स्टोरी कहना और अच्छे से टैलेंट के साथ काम करना है। वे भारतीय एंटरटेनमेंट को ऊंचा करने में लगातार प्रयासरत हैं। अजय ने अपने डिजिटल डेब्यू पर कहा है, डिजिटल दुनिया मुझे एक्साइट कर रही है। हमें आगे चलकर बीबीसी और अप्लॉस के साथ इस सीरीज को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। रुद्र द एज ऑफ डार्कनेस के साथ मैं इस नई जर्नी की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। हालांकि पुलिस का किरदार मेरे लिए नया नहीं है, मगर इस वक्त मेरा किरदार बेहद ही इंटेंस, कॉम्प्लेक्स और डार्क है। हाल के दिनों में इस तरह के ग्रे शेड के किरदार से आप जरूर मिल चुके हैं। ऐसे में आप लोग अजय देवगन के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग फॉर मोर एंटरटेनमेंट न्यूज एंड अपडेट।